जिस पादरी का काम था चर्च में लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करना। उस पादरी के 80 महिलाओं के साथ लगभग 200 वीडियो पिछले एक हफ्ते से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। मामला तमिलनाडु का है, जहां आरोप है कि पादरी बेनेडिक्ट एंटो धर्म की आड़ में पिछले कई सालों से महिलाओं के साथ यौन शोषण की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मामला तब संज्ञान में आया जब यौन शोषण की शिकार हुई नर्सिंग कॉलेज की छात्रा की शिकायत पर कन्याकुमारी पुलिस ने बेनेडिक्ट एंटो के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया। दरअसल तमिलनाडु के सिरोमलंकारा कैथोलिक चर्च के पादरी एंटो पर न केवल इस छात्रा के यौन शोषण का आरोप है, बल्कि कई अन्य महिलाओं के साथ भी अवैध संबंध रखने का आरोप है। छात्रा ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि जब भी वह चर्च जाती थी तो पादरी बेनेडिक्ट एंटो उसे गलत तरीके से छूता था। उसके मना करने पर पादरी ने किसी तरह उसका मोबाइल नंबर ले लिया और वीडियो कॉल और व्हाट्सएप चैट करने का दबाव बनाने लगा। इस दौरान छात्रा को पता चला कि एंटो न मात्र उसे बल्कि अन्य लड़कियों को भी इसी तरह से परेशान करता था। पुलिस जांच में सामने आया कि वह श्रीलंका के आतंकी संगठन लिट्टे का भी समर्थक है। धर्म का चोला ओढ़कर घूमने वाले ऐसे चरित्रहीन धूर्त पादरियों से आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है, जो धर्म की आड़ में यौन शोषण तक करते हैं।